हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे मॉड्यूलर किचन के बारे में और मॉड्यूलर किचन की डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है जो कि एक किचन के उद्देश्य से नहीं बना हुआ है, वो पेंट्री से बना हुआ है। यदि किचन के लिए यूज करना हो तो उसमें बास्केटें ऊपर की दो दो छोटी करनी पड़ती है और नीचे का जो बड़ा रहता है ऊपर की साइड की। और यहाँ पे जैसे हमने फिटिंग के यूज किया हुआ है वो हेफेले कंपनी का है, जो साइड की साइड में लोगो भी लगा हुआ है और फ्रंट की साइड में इटालिक एल्यूमिनेशन का यूज किया हुआ है और बीच में हैंडल नहीं लगाए हैं, खाली गोला प्रोफाइल का यूज किया हुआ है ताकि वो खुलने में आराम से खुल सके। खाली सामने की साइड में एक इंच का ग्रूव क्लियर नज़र आएगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टेंडम बॉक्स जो यूज किया हुआ है वो हेफेले कंपनी का है और नीचे की साइड में डबल रेलिंग का यूज किया है और ऊपर की साइड में सिंगल रेलिंग का यूज किया हुआ है। यहाँ पे सिंक का एरिया है जो कि यहाँ पे डस्टबिन जैसा यूज कर सकते हैं और ऊपर की साइड में ब्लैक ग्रेनाइट का यूज किया हुआ है ताकि वो कॉम्बिनेशन दोनों का काफ़ी सुंदर दिख रहा हुआ है। यहाँ पे ओवरहेड कैबिनेट बना हुआ है जो कि 18 इंच का है और यहाँ पूरा स्टोरेज के लिए यूज होगा जो कि इसमें खाली सिंगल रहेगा और फिटिंगें भी हेफेले कंपनी का यूज किया हुआ है। जो बीच का जो एरिया है 18x18 का उसमें ओपनेबल रहेगा और बाहर का मटेरियल विनियर लगा हुआ है। दोस्तों, यदि आप ऐसा घर के लिए डिज़ाइन करवाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म के लिए तो भी करवा सकते हैं। उसमें ऊपर का मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर का ड्रॉर छोटा करना पड़ता है ताकि चम्मच वगैरह आ जाए ऊपर की साइड में, यानी जो ऊपर हमने सिंगल ड्रॉर बनाया है यहाँ पे आपको डबल का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे पेंट्री की तरह बनाया हुआ है जो कि कभी कभार बहुत कम यूज होता है। सो थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हम ऐसे ही इंटीरियर और फर्नीचर से वीडियो लाते रहते हैं। सो थैंक यू।